भारत ने आज स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि उफा में बातचीत के बाद तनाव कम करने के बजाय पाकिस्तान ने भारत में गुरदासपुर हमले सहित आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और 91 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। अपनी निर्धारित दिल्ली रवानगी से एक दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस वार्ता की। सरताज अजीज ने कहा कि सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए तौर तरीके तलाशने सहित पाकिस्तान का 3 सूत्री एजेंडा उफा समझौते के अनुरूप है। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के ताज़ा सबूत मिले हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ दाऊद की ताज़ा तस्वीर लगी है, जिसके आधार पर ये साफ हुआ है कि वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। सबूतों के आधार पर दाऊद अपने पूरे परिवार के साथ कराची में रह रहा है। भारत पाक एनएसए बैठक से पहले कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को आज दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया है। शब्बीर शाह का पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात का कार्यक्रम था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि के साथ खपत बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए इस्पात क्षेत्र को मजबूत किए जाने की जरूरत है। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टील क्षेत्र पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कच्चे माल के दाम नीचे लाने के लिए लौह अयस्क खनन की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा करेंगे। मोदी ने आज सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी के लिए उनके सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव mygov.in पर भेज सकते हैं। असम के 19 जिलों में करीब 11 लाख लोग और 1437 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र सहित विभिन्न नदियों में पानी ऊपर तक बह रहा है। हालांकि कल शाम से उत्तरी असम के कई स्थानों पर बारिश से राहत मिली है, लेकिन धुबरी समेत असम के निचले इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। इसी बीच सेना एनडीआरएफ के दलों को बचाव और राहत कार्यों के लिए लगाया गया है। सरकार ने प्याज की मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $425 से बढ़ाकर $700 प्रति टन कर दिया है। इसी बीच बाजार में प्याज की सीमित आपूर्ति के कारण एशिया की प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी महाराष्ट्र के लासाल गाँव में प्याज की कीमत बढ़कर ₹57 किलो हो गयी है। वहीं दिल्ली और देश के कुछ अन्य बाजारों में प्याज की खुदरा कीमत बढ़कर ₹80 किलो तक पहुंच गई है। मिस्र की एक अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद बड़ी को 2013 में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के आरोप में आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस स्टेशन पर हमला 2013 के जून में निर्वाचित इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को हटाए जाने के बाद देश में फैली हिंसा के दौरान किया गया था। ब्रदरहुड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अलबतेलगी को भी आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ईरान ने 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। राष्ट्रपति हसन रोहानी ने आज फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र में ही निर्माण की घोषणा की और इसे ईरान तथा पश्चिम एशिया की रक्षा के लिए आवश्यक बताया। बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 313 के निर्माण की घोषणा ईरान के रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर की गई। ईरान ने अपनी फतेह मिसाइल की कई किस्में विकसित की हैं। पिछले करीब एक साल में पहली बार दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया अपनी पहली उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जा सके। दोनों देशों के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि उनके सैन्य टकराव की आशंका है। इसी आशंका को दूर करने के लिए दोनों कोरियाई देश सीमा पर एक गांव में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसकी अग्रिम पंक्ति की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामिक स्टेट के दूसरे नंबर के नेता फाजिल अहमद अल हयाली की इराक में हुए एक अमेरिकी हमले में मौत हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस सप्ताह मोसुल में एक हवाई हमले में हयाली की मौत हुई है। हाल ही के महीनों में हुए हवाई हमलों में इस्लामिक स्टेट के कई बड़े नेता मारे गए हैं। 2015 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत आज से बीजिंग में हो गई है। पुरुषों की मैराथन दौड़ में 19 वर्षीय घिरमे गैब्रेसलेसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेस को 2 घंटे 12 मिनट और 27 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इथोपिया के येमेन सेगे को रजत पदक, जबकि युगांडा के मुनियो सोलेमोन मुटई को कांस्य पदक हासिल हुआ।
सानिया मिर्जा अपनी स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ सिनसिनाटी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। हालांकि लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पुरुष युगल से बाहर हो गए हैं। भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के